ठीक है, लास्ट टाइम हमने तो उधर देखा था कि लाइक हम लोग कैसे स्टोन्स कैसे बना सकते हैं, रॉक को बनाने का टेक्निक क्या क्या है। ठीक है, तो ऐसा बेसिक से मैंने आइडिया दिया था कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको कैसे डील करना पड़ेगा, आप डील कैसे कर सकते हो, डील करने के बाद आपको लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स आप कैसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने तो ऐसा आइडिया दिया कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ। क्या तो मेन चीज़ क्या है, हमें तो ऐसा चीज़ों को ऐसे लुक एंड फील देना है कि मैं बस थोड़ा सा काम कुछ ऐसा हो, जल्दी में भी काम किया जा सकता है। मैंने थोड़ा सा एक आपको रफली थोड़ा सा डील किया, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ आइडिया दे सकता हूँ। एक सिंपल सा प्रोसेस आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे कोई भी काम करते हो तो आपको कोई इमेज कैसे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो ड्रॉ में गए, जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं क्या, तो ड्रॉ के अंदर मेरे पास ऑप्शन होते हैं, या फिर आपको ईजी में करना है तो देखो यहाँ पे लाइट बॉक्स होता है क्या, तो लाइट बॉक्स पे क्लिक करो आप यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे ग्रिड मिलेगा। ठीक है, ग्रिड में जाके आप कोई भी, जैसे इस पर आपने क्लिक कर दिया, ये दिस वन आपने क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे ये ऐसा बाई डिफॉल्ट आपके पास ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, ड्रॉ पे गए आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे पास फ्रंट में इमेज है, साइड में इमेज नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप लेफ्ट को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया मैंने, एंड टेक्सचर ऑफ कर दिया मैं। ठीक है, तो यहाँ पे चला गया, फ्रंट में चाहिए, फ्रंट में क्लिक करो आप यहाँ पे, क्लिक करके आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेस्कटॉप पे गए, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस करके यहाँ पे, तो मैं इस इमेज को मैं कॉल कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे इमेज ऐसा दिखेगा। अभी आप चाहो तो उसको ऐसे करके आप रीअरेंज कर सकते हो, तो रीअरेंज करने का देखो ऑप्शन है, आपको एक आइडिया देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो साइज है, चीज़ें सब कुछ गिवन है यहाँ पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ग्रिड साइज है, टाइलिंग है, यहाँ पे फिल मोड है, ये देखो यहाँ पे फिल मोड पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, आपको कैसा पार्ट है, यहाँ पे 0 पे कैसे दिख रहा है, 1 पे क्या है, 2 पे कितना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ठीक है, आप इसको वन वन करके आप अरेंज कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो अगर 2 पे आप देखो, 2 पे आपका काम करने का पार्ट है, यहाँ पे यहाँ पे ऑपेसिटी वाला फैक्टर भी है, आप देखो ऑपेसिटी दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी अगर मुझे कोई चीज़ मैच करना ही है तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ। ठीक है, कैसे मैं मैनेज करूँ उसको मैं एक बार दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है और किस टाइप से मैनेज करना है, तो एक बार प्लानिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी आपको चीज़ों को अरेंज करना है, तो अरेंज कैसे कर सकते हो वो मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। ठीक है, अभी मैं छोटा सा एक टिप्स देता हूँ, जैसे मान लो मुझे कोई चीज़ अरेंज करना, तो अरेंज करने का थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करने जा रहा हूँ तो मुझे अरेंज करने के लिए क्या काम करना होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे इतने पार्ट पे ऑल्ट तो लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, टूल्स पे गए, ठीक है, ज्योमेट्री में गए, एंड सब टूल है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक करना, आप यहाँ पे सब चीज़ आपका यहाँ पे गायब। ठीक है, आप ये आपको मैं एक छोटा सा मॉडल आपको मैं मैच करने का प्रोसेस बता देता हूँ, आप ऐसे करके मैच कर सकते हो। शिफ्ट और क्लिक करो, सब आ गया पे। ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक किया। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैंने बेसिक से बनाया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं अगर मैनेज करना चाहूँ, वैसे प्रोस्पेक्टिव में है, मैं फ्रंट पे हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा एंगल अगर थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करूँ तो मुझे थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, तो मैं पहले से थोड़ी सी प्लानिंग मुझे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग मुझे करना होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कुछ इस टाइप से मैं चीज़ों को मैनेज करके ऐसे मैं प्लेसमेंट दे सकता हूँ। तो थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं उस प्रोस्पेक्टिव एंगल मुझे इस टाइप से मुझे थोड़ा सा डील करना है, तो मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ क्या। ठीक है, तो ऐसे करके थोड़ा सा एंगल मैं तो ऐसे चीज़ों का इसमें मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी एंगल आपको समझना, देखो इस एंगल पे मैंने मैच किया तो मेरे पास ये एंगल ऐसा है, फ्लोर पे गए, फ्लोर के साथ मैं अभी चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर देने वाला हूँ। ठीक है, और मेरे पास जो रेफरेंसेज हैं उस रेफरेंसेज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डील करने वाला हूँ यहाँ पे, देखना अभी। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को, ठीक है, देखना मैं जूम कर लेता हूँ, प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये पार्ट मैंने इधर से ऐसे करके मैनेज करूँ। अभी यहाँ पे क्या है, शेप में बस ऊपर से ऐसा है तो मैंने थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, थोड़ा सा ट्रिम डायनेमिक्स मैंने फ्लैटन कर दिया। ठीक है, देखो फ्लैटन यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है, ये पार्ट में बस ऐसे, ये पार्ट में बस निकलता होने दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा, भाई मेरे पास निकलता हुआ पार्ट यहाँ पे दिखाना है, तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा वर्कआउट कर सकता हूँ। ओके, तो शिफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है, लेवल मैं ऐसे दे रहा हूँ, मेरे पास ये पार्ट ऐसे आने के बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करते दिखा देना। तो क्ले बिल्डअप से मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने ऐसे और इस टाइप से मैंने कवर कर दिया, क्या कि मुझे अगर ऐसा कुछ यहाँ पे कवर करना है तो मैं ऐसे थोड़ा सा चीज़ों को दिखाऊंगा, तो मैं ऐसी चीज़ को फुलफिल करना है, तो मैं ऐसे भी चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो व्हाट यू वांट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज कर दूँ, मिले तो ऐसा ईजी हो जाएगा। ट्रिम डायनेमिक पे गए, ये थोड़ा सा पार्ट मैंने ऐसे इधर से इधर से मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट में अगर ऐसे दिखाऊं तो मुझे इस टाइप से ये चीज़ ऐसे दिखेगा, विजुअल होगा, बाकी इन पार्ट को मुझे यहाँ से पीछे से नहीं देना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग कर देता हूँ। तो मेरे पास ये एंगल, ये देखो यहाँ पे ये पार्ट ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ। ठीक है,
तो ये शेप आपका यहाँ पे आता नजर आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दो तो आपका सी पार्ट ऐसे और ऐसे भी आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों आर्ट को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके मैनेज करूँ। ठीक है, यहाँ पर कहीं लगे कि मैं थोड़ा सा पॉइंटेड निकालना, तो मैं थोड़ा सा पॉइंटेड जैसे जस्ट ड्रॉ साइज मैंने कम कर दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा मैं पॉइंटेड ऐसे पार्ट में दिखा सकूँ, मुझे ये पार्ट ऐसे दिखाना है और ये पार्ट मुझे ऐसे भी दिखाना है, तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। देखो मैंने हाईलाइट किया है, हाईलाइट करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक या पॉलिश से मैं थोड़ा सा इसकी कॉर्नर के अकॉर्डिंग मैं कटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा, बस ये काम ऐसा देखिएगा कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो। ठीक, और देन यहाँ से थोड़ा सा मैंने इधर से इधर थोड़ा सा शार्प लाइनें बनाना, तो शार्प लाइनें बनाने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो कैसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, फिर ये विद द हेल्प ऑफ पेन टैबलेट एंड टूल्स हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करना है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है। तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें नहीं है, मैं थोड़ा सा पार्ट ऐड ऑन कर देता हूँ कि मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसी चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता था। देखो ये लुक एंड फील आपको देना स्टार्ट कर देगा कि आपके ऐसे कुछ पार्ट है तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो। जितना टाइम दोगे, जितनी बारीकी से काम करोगे, आपका चीज़ यहाँ पे यूजफुल होगा कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, यहाँ पे मैं इसको अरेंज रीअरेंज करूँगा तो मेरे पास चीज़ यहाँ पे कवर अप करना स्टार्ट कर देगी। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ये एक आपको सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दिया। आफ्टर देन चलो अब ये मैंने काम हो गया, फ्लोर का मैंने कर दिया ऑफ, इनवर्स पूरा पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जब मैं काम कर रहा हूँ, काम करते हुए मुझे यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि मैंने यहाँ पर जो काम किया इसमें मैं थोड़ा सा कलर एंड बाकी चीज़ों को मैं फुलफिल करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, अभी इतने सारे पार्ट हैं, सब पार्टों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ चीज़ों को मैं थोड़ा सा देखूँगा। मैंने यूवीज़ का पार्ट आपको बताया है, यूवीज़ के पार्ट को आपको यूवीज़ कैसे निकालने हैं। ठीक है, यूवीज़ निकालने के साथ आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपको चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है। सर यूवीज़ अपना नहीं हुआ सर, यूवीज़ वही बात। अब जैसे आपको यूवीज़ में कैसे क्या काम कर, जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, यूवीज़ को कैसे निकालेंगे, तो पहले बाई डिफॉल्ट ये काम होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो मुझे लोअर पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर पे गए। ठीक है, दूसरा पार्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग पार्ट दिखेंगे। तो यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे यूवी मैप करके है, तो यूवी मैप समझो, यूवी मैप में क्या है, ये देखो मॉर्फ यूवी करो, ये अपने आप में खुला हुआ है। बाई डिफॉल्ट ये चीज़ें ऐसे दिखेंगी। ठीक है, ऐसे दिख रहा है मुझे यहाँ पे यूवीज़ में काम करना है। देखो यहाँ पे यूवीज़ में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइज़ मुझे देना है, पहले मैं साइज़ डिफाइन करूँगा, साइज़ कितना करना है मुझे, 1K करना है या 2K करना है। छोटे ऑब्जेक्ट है तो 1K, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो 2K। क्रिएट में गए, क्रिएट में मेरे पास यहाँ पे यूवीज ऐसा है जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ कि ठीक है मुझे यहाँ पे बाई डिफॉल्ट यूवीज़ के साथ मुझे डील करना है। ठीक है, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक थोड़ा सा मैं आपको आईडिया देता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक पार्ट में बस यहाँ पे है कि मैं यूवीज़ में कैसे काम करता हूँ। यूवीज़ पे गए, यूवीज़ में देखो यहाँ पे क्या है, यूवी टाइल है। ठीक है, मॉर्फ पे करो तो ये ऐसा आ रहा है, तो ये एक बार ध्यान देना, बहुत हैवी हो जाएगा क्या। तो मुझे यूवी या ऑटोमेटिक पैक में जाके देखो तो ये आपका ऐसा खुलता हुआ नजर आएगा। आपको जो मॉडल ओपन करना हो ऐसा ओपन करना है क्या, एक ही पार्ट है, इसको आप मैनेज करके देखो यहाँ पे, तो इस पर आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे देखो कुछ अलग से प्लगइन है, यूवी मास्टर। ठीक है, आप इसे अंडर पे क्लिक करो, अंडर पे हुआ मेरा यहाँ पे, देन मॉर्फ कर दो तो ये आपका पार्ट ऐसे भी खुल के आएगा। तो ये भी पार्ट आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, तो ये आपका सेकंड मेथड है। ठीक है, ये हम लोग काम करेंगे, हमारी चीज़ें बहुत बेटर दिखने वाली, तो हम लोग ऐसी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सब ऐसे ही बताने वाला हूँ, सारी ज्योमेट्री पे गए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, अभी देखो यहाँ पे मगर मैं काम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ज्योमेट्री पे गए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे लो रेजोल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पार्ट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये लो मैंने कर दिया, तो मैं अभी सब पे काम ही करने वाला हूँ। ठीक है, शिफ्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ पे देखा, यहाँ पे मॉडल को पकड़ो, मॉडल को समझो। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ज्योमेट्री पे गए, ज्योमेट्री पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बस क्या है, सिंपल सा पार्ट आपको यहाँ पे लो पे जाना है। ठीक है, लो पे गए, लो पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, जेड प्लगइन पे गए, यहाँ पे अंडर बटन पे क्लिक कर देना, अंडर हो गया। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए एक बार यहाँ पे सिर्फ क्रॉस चेक कि आपको यहाँ पे पता चले, अभी इसका भी हम लोग लेवल में अलग अलग लेवल देखते हैं, तो खुल के आपका आ जाएगा। फ्लैट यूवीज के लिए बहुत बढ़िया टेक्निक है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, अभी यही काम हमारा आसान कर देता है। जैसे मैं अगर देखूँ, अगर मैं हाई पे एक बार करके देखूँ, यहाँ पे जेट प्लगइन पे गया, अनरैप किया, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपको क्या करना, लेवल 1 पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये पहले चीज़ों को बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लगइन्स में मेरे पास बहुत सी चीज़ मिलती है क्या, तो मैं अगर यहाँ पे देखो मेरे पास चीज़ें, कई चीज़ें मेरे को ऐसे भी मिलने वाली है। ठीक है, जहाँ पे मैंने अंडर पे किया, अंडर पे यहाँ पे गया। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल द पार्ट,
तभी आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ज्योमेट्री में गए, मैंने यहाँ पे लेवल कर दिया, इसके बाद आप क्या करो अनरैप कर दो, हो गया अनरैप। अभी इसमें अनरैपिंग बहुत ईजी है, अगर आप देखो आप माया और बाकी चीज़ों में जाओ मैक्स में, तो वहाँ पर अनरैपिंग आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस पर काम कर जाएगा क्योंकि हमें पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए मेरे पास ये मेथड मेरे पास बहुत ईजी है काम करने के लिए, भूल गया, ठीक है। ऑल्टो लेफ्ट क्लिक पे गए, यहाँ पे ज्योमेट्री पे गए और डिवीजन मैंने कर दिया, ठीक है, अनरैप मैंने कर दिया, अनरैप मेरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो अभी कोई ऐसा मॉडल बचा है जिसको हमने नहीं टच किया, ये पार्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे गए, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया अनरैप कर दिया, ठीक है। अनरैपिंग में देखो मेरे पास सारे लो मैस में दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने जब अनरैप कर दिया तो मुझे यहाँ पे सपोज कॉस्ट कर लेना है कि भाई मेरे पास अभी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए यूवी मैप पे गए और मॉर्फ कर दिया। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने जैसे आपको उसमें बताया, क्या बोलते हैं, जैसे कैनन हम लोगों ने बनाया, कैनन पे बताया था, तो कैनन में क्या था कि हम लोगों ने इसी वाला मेथड यूज़ किया था, अभी मैंने आपको सेकंड मेथड बताया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डी 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 ये भी मैं यहाँ पे डिवीजन में बढ़ा सकता हूँ, क्या देखो यहाँ पे डिवीजन से डी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे ज्योमेट्री देखो डिवीजन ये मेरे पास बढ़ते जा रहा है, तभी मैं सबको हाई रेंज पे लेके आ दूँगा, ठीक है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया, मैंने सबको हाई रेंज कर दिया, ठीक है। ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, मैं अनरैपिंग का काम खत्म, बहुत जल्दी हमने अनरैप कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर जो भी कोई काम करना है। अभी जब हम लोग मैक्स और माया में लेके आते हैं, तो हम लोग इसी लेवल पर इसी मॉडल को लेके आते हैं, क्या लो लेवल को, हाई लेवल को लेके नहीं आते, लेकिन क्वालिटी हाई लेवल वाला लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी इस पे देखो इस पे कैसे क्या काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे मेरा काम करता हूँ, टेक्सचर पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पिक किया, क्या तो देखो मेरे टेक्सचर यहाँ पे विजुअल आया कि नहीं आया, मेरा टेक्सचर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी व्हाट आई वांट, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। टेक्सचरिंग के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, जेट सबको ऑफ करेंगे, आरजीबी ऑन करेंगे, आरजीबी देखो यहाँ पे कुछ कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखें यहाँ पे ये मैं टेक्सचर वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है, देखो टेक्सचर में देख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे टेक्सचर वाले पार्ट को मैं ऐसे मैनेज करूँ तो टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैं देखो मैं कलर पिक करूँगा, बस कलर पिक करें यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को मैं पिक करके देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे कलर कैसा आ रहा है, इस पर ये कलर आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया सिंपल सा पार्ट, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके मैं इधर उधर पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कंट्रोल प्रेस करके जैसे मैं देखो मेरे फ्लोर है क्या मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने क्या किया कंट्रोल प्रेस किया, मैं यहाँ पे देखो कलर पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस कलर आया कि नहीं आया, ठीक है, है दिख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जस्ट फ्लोर ऑफ करो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ देखो बस चीज़ें कैसे दिख रहे हैं यहाँ, ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया, अभी मैं बस यहाँ से मुझे कुछ भी कलर पिक कर चाहिए तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ, मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखें, ठीक है। एक पार्ट ये आपको ऑप्शन आ गया कि मैं यहाँ से कोई भी चीज़ को पिक करूँ, मेरे पास यहाँ पे कलर कैसा आ रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ वाइट किया, वाइट हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँ, मुझे यहाँ पे क्या था, जैसे मैंने आपको एक और चीज़ आपके मैंने बताया था, जेट प्लगइन था आपके यहाँ पे जब टेक्सचर में गए जेट कलर था, जेट कलर का आप क्लिक करोगे, ठीक है, जेट कलर से आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिल गया था कि भाई टेक्सचर करना है तो मैं कैसे क्या काम करने वाला था। कलर प्लेट दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है, यहाँ से मैंने किया, ठीक है, और देखो यहाँ पे ये पार्ट में बस, ठीक है। अभी यहाँ से या तो आप यहाँ से कलर पिक करो, इधर से कलर पिक करो, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ये आप यहाँ से कोई भी कलर ले लो, जैसे ये कलर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये कलर मैंने यहाँ पे लिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ऐसा कुछ कलर है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने फिल पे किया, ठीक है, ये देख फिल दिख रहा है यहाँ पे, सेट कलर, ठीक है, सब पे देखो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी सेट कलर पे करने के बाद आपको फिर से एक बार आपको बताऊँ, जैसे मैं आपको कोई भी कलर पेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कलर में पेंट करूँ मैं, कलर कैसे आ रहा है देखो, कलर पे गए सब कुछ ये पार्ट यहाँ पर है, इसको मैंने ऐसे किया सेट कलर बकेट पे, फिर मैं बकेट का फुल पे हुआ यहाँ पे, क्रॉस चेक करते हैं अभी देख रहे हैं अभी, मैंने यहाँ पे क्या टेक्सचर मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो मैं उस कलर कैसे आ रहा है, कलर को देखो मैं उस कलर का पेंटिंग किस टाइप से हो रहा है, ठीक है, स्विफ्ट है देख रहे हैं अभी, कलर पर जाकर फिल ऑब्जेक्ट करके देखो, फिल ऑब्जेक्ट पे देखो कलर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल से कलर आपको पेंट करना आना चाहिए, ठीक है। अभी नॉर्मल से कलर को जो मैं पेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसमें मुझे क्या काम करना है, तो मैं यहाँ पे कलर पेंट करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है, मैनेज कैसे कर पा रहा हूँ। अभी आपको हर एक ऑब्जेक्ट पे जाके देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपने क्या किया, ये मैंने कलर लिया जेट प्लगइन पे गए, यहाँ पे मैंने कलर पिक किया, मेरे पास कलर आ रहा है यहाँ पे, इसी का मुझे थोड़ा सा लाइट कलर यहाँ पे लेना है, ठीक है, लाइट कलर मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे पेंट कर सकूँ, ठीक है। सेट कलर यहाँ पे देखें सब पे यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे,
डार्क किया मैंने यहाँ पे, तो सेट कलर ये सब पे सेट करो, यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, तो अभी मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे यहाँ पे क्या ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया देखने पे, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा सा लाइट कलर पे किया यहाँ पे, ठीक है, कलर पिक कर रहा हूँ, फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा कलर पिक हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो काम करना है, एक तो RGB की इंटेंसिटी कम करनी है, स्टैंडर्ड पे गए RGB की इंटेंसिटी कम करनी है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेंट करना है कि आप यहाँ पेंट कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। साइज को आप यहाँ पे कैसे डील कर सकते हो, तो जितने आपने हाई कॉर्नर पे काम कर रखा है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा आपको अलग से विजुअल हो, एक आपको बेसिक सा एक हैंड पेंटेड टेक्सचर आपको रेडी करने के लिए आपका ये पार्ट यहाँ पर हेल्प करने वाला है। यहाँ पे मैं बस देखो, यहाँ पे पहले मैं लाइट कलर पेंट करने वाला, लाइट कलर मेरे पास जो हाईलाइटेड है उस जगह पे मैं लाइट कलर पेंट करूँगा, देखो यहाँ पे, तो मैं हर एंगल जो भी मैं एंगल मैं टर्न करने वाला हूँ उस एंगल के लिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ। एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास जब टेक्सचरिंग करते हैं यहाँ पे, देखो टेक्सचरिंग करने के बाद मेरे पास पॉली ग्रुप है, पॉली ग्रुप में गए यहाँ पे, ठीक है, पॉली ग्रुप के अंदर मैं देखो पॉली पेंट है, कलराइज एक बार देखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जो भी कोई काम करने वाला है यहाँ पर, तो उसमें पेंट करूँगा, तो मेरे यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। साइज़ छोटा करके देखो, ये जितना आप साइज़ छोटा करके देखो उतना क्वान्टिटी पे आपको यहाँ पे दिखेगा। कोशिश करना पेन टेबलेट से पेंट करो, ठीक है, तो आपके यहाँ पास परमानेंट चीज़ें और अच्छी दिखेंगी यहाँ पे। जिसको यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लिक करना, ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं सेप से मेरे पास यहाँ पे लाइट एंड डार्क, ये हैंड पेंट टेक्सचर के अंदर एक प्लस पॉइंट होता है। आप यहाँ पे देखो सेप आप बनाओ तो जी बस में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन कई आर्टिस्ट यही सेम काम हैंड पेंट टेक्सचर के लिए यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करने के बाद वो क्या करते हैं यहाँ पे, इसको जैसे गेमिंग मॉडल में आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अभी यही अगर आप मॉडल बनाते हो, इस मॉडल को बना के आप ऑनलाइन सेल भी कर सकते हो, क्या ऑनलाइन सेल करना, ऑनलाइन सेल पर भी आपके पास बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा कि भाई कैसे आप क्या काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो, तो ज़रूरी नहीं कि आप जॉब ही करो, क्या जॉब करने के साथ आपके पास ऐसी चीज़ें, आप कुछ कुछ मॉडल बना लो, उस मॉडल को अच्छा बना के आप ऑनलाइन सेल करो। ऑनलाइन सेल करने के लिए कई वेबसाइट है, एक बार देखना, कई चीज़ों को मैंने ऐसे मेंशन कर रखा है, अपने चैनल पे भी मेंशन कर रखा है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा वेबसाइट पे जा रहे हो तो वहाँ पे कहाँ पे आपको मॉडल सेल करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, भाई मेरे पास यहाँ पर ये थोड़ा सा पार्ट कनेक्टिविटी कंटिन्यूटी ये आपको थोड़ा सा डील करना है, तो आप यहाँ पर ऐसे पेंट कर सकते हो। 3D मॉडल में ये बहुत बढ़िया काम कर जाता है यहाँ पर। अभी जो मैं यहाँ पर काम करूँ, मैं स्टाइलाइज कर रहा हूँ, स्टाइलाइज बोलते हैं कैसे, स्टाइलाइज प्रॉप्स के लिए आप यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने एक काम किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ को थोड़ा सा मैंने डार्क कर रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बस क्या है, कलर पे गया, सबसे पहले काम कलर पे आ गया, फिल ऑब्जेक्ट सबसे मेजर काम, ठीक है। या आपने यहाँ पे क्या किया, सिंपल कंट्रोल सेलेक्ट किया, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे गया, तो सबसे पहले काम कलर एंड फिल ऑब्जेक्ट सब पे जाके देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या किया, कलर पे गया, फिल ऑब्जेक्ट किया, फिल ऑब्जेक्ट में ऐसा कलर क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखो इंटेंसिटी बहुत कम है, तो ये ध्यान है इसके वजह से आ रहा है। तो कलर पे गए, फिल ऑब्जेक्ट सबसे पहले काम, सबको स्विच कर लो, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, कलर पे जाके फुल ऑब्जेक्ट, मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, कलर पे जाके फुल ऑब्जेक्ट, तो सब पे एक सेम कलर तो मेरे पास मिल ही जाना है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे कलर की वैरायटीज भी दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा आपके यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है, यहाँ पे कलर पे गए एंड फिल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने ऐसा कुछ मैनेज किया, कोई भी मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट बचेगा नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोड़ूंगा, मैंने कर दिया। अभी इसके बाद मैं आपसे लाइट कलर पे जाके मैं काम करने वाला हूँ, तो मैं पहले लाइट कलर का मैं पेंट करता हूँ, तो मैं पहला काम मेरे पास यही होना चाहिए कि आप लाइट कलर में कैसे डील करते हो। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे जो लाइट कलर है कंट्रोल प्रेस करना है, लाइट कलर को यहाँ से पिक करना जो हमने पेंट किया, ताकि हमारे कलर में वेरिएशन ना आए, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा इस वाले पार्ट को यहाँ पे देखा, ठीक है, मैं हल्का हल्का मैं पेंट करके मैनेज कर रहा हूँ, भाई मुझे ऐसा कुछ पेंट करना है तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ पे, ठीक है। फोकस, ये देखो फोकस मेरे पास कौन सा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, पार्ट देखने पर, तो आपको लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। स्टाइलिश प्रॉप्स के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट आपके पास ऐसा कुछ यहाँ पे गया, ठीक है, लिटिल बिट थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो आप यहाँ पे, थोड़ा सा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। ये टेक्सचर को आप ऐसे भी डील कर सकते हो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। जितने भी मूवीज़ होते हैं ना, मूवीज़ के अंदर ये सारे टेक्सचर ऐसे ही पेंट किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उनके कॉर्नर्स को थोड़ा सा पकड़ के, जैसे जैसे कॉर्नर गया ना यहाँ पे, ठीक है, इन कॉर्नर्स का पकड़ के आप यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करने वाले हो कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई, ठीक है। लाइटली थोड़ा सा डील करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा पार्ट आपको ऐसे मिलेगा, इस टाइप से आप काम कर सकते हो। आप यहाँ पे कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज करके दो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी ये छोटा छोटा पार्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, भाई
छोटे छोटे पार्ट को ही टेक्सचर करने में टाइम लगता है। मैं आपको इतना सारे पार्ट को मैं एक बार एक रफली एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई मुझे अगर थोड़ा सा स्टाइलिश पेंट करना है तो मैं कैसे करने वाला हूँ। दो तीन कलर मैं आपको मिक्स करके मैनेज करने वाला था। अभी दूर से देखो, दूर से आपका सी हाइलाइटेड और डार्क वाला पार्ट देखेगा। अभी यही पार्ट मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैं सब पे स्विच टू हेयर, ठीक है। लाइट काम करने के लिए मैं थोड़ा सा लाइट पे ही मैं थोड़ा सा डील करूँ, ठीक है। मैं एक ही बार मैं कलर चेंज नहीं करा, एक बार पहले लाइट फिर उसका डार्क हम लोग मैनेज करेंगे तो मेरे पास थोड़ा सा पार्ट और बेटर दिखने वाला है, ठीक है। तो मैं एक बार ऐसे करके मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ और बेटर दिखेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट में कर रहा हूँ कि ठीक है, जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक आइडिया दूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो रफली आपको एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर काम करना पड़े तो मैं ऐसा करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। लुक एंड फील बेसिक सब पार्ट, ठीक है। बेसिक सब सेटअप आपको दिखा देता हूँ, भाई मेरे पास ऐसा कुछ काम करना है तो स्टाइलाइज के लिए मुझे ऐसे पॉली पेंट करके मुझे डील करना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट आपका ऐसा भी कुछ है, मैं भी थोड़ा सा स्प्रे वाइज भी मैं थोड़ा सा डील करूँगा। मुझे स्प्रे वाइज थोड़ा सा डील करना है तो मैं कैसे करने वाला हूँ, तो लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप जब मॉडल करते हो, मॉडल करने में 10 टोन शेड का आपको आइडिया रहना चाहिए। ये जो मैं थोड़ा सा पेंट कर रहा हूँ, ये कॉर्नर पार्ट हाईलाइट पार्ट बोलते हैं, हाईलाइट पार्ट आपके पास आप किसी भी एंगल में आप जाके काम करोगे तो देखो दूर से आपको हाईलाइटेड देखेंगे यहाँ पे। ये पार्ट आपको यहाँ पे एक आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी काम करें तो मेरे पास यहाँ पे कैसे क्या काम करना है, ठीक है। यहाँ देखो आप यहाँ पे जो जो मैंने स्ट्रोक्स बनाया है ना यहाँ पे, उन चीज़ों को दोस्तों हम लोग मैनेज करें तो मेरे पास यहाँ पे मैनेज करने के लिए उस चीज़ यहाँ पे देखेंगे। जहाँ पे बड़े पार्ट है बड़े पे चलेगा, यहाँ पे लगेगा छोटा पार्ट, यहाँ पे आपको साइज भी छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। पार्ट में यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा ऑपरसिटी के साथ मैं थोड़ा सा डील भी करूँ, भाई मेरे पास थोड़ा सा कुछ इधर से भी मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज कर सकता क्या अभी, ठीक है। ये काइंड ऑफ जस्ट लाइक दिस, ठीक है। मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप जितनी बारीकी से डील करो उतना अच्छा है, ओके। यहाँ से थोड़ा सा स्टेप्स को मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा मैं ऐसे कुछ मैनेज करूँ तो लुक एंड फील थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा क्या, ओके। देखो यहाँ पे अभी धीमे धीमे छोटी छोटी चीज़ ही मैंने जस्ट ऐड ऑन किया तो वहाँ पे लुक एंड फील आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं सर मैं देखो यहाँ पे देखाऊँ तो आप हल्का सा एंगल चेंज कर देगा, तो वो एंगल के अकॉर्डिंग वो चीज़ें लाइट एंड बाकी पार्ट में भी यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये पार्ट आपको देखा, ये पार्ट ऐसा अगर पेंट कर तो वो एंगल वाली जो चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दूँ तो ऐसे करके मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा काम ऐसे करके थोड़ा सा कस्टमाइज करे तो मेरे यहाँ पे काम आसान हो जाएगा, ओके। ठीक है, ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ पे, ठीक है। और जस्ट बेसिक बेसिक लुक एंड फील को मैं थोड़ा सा ट्रेजर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ जो कट्स हैं कट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डील कर रहे हैं। कट अभी देखो, कट को आपको हाईलाइट करना तो आप यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा सकते हो। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है तो मैं एक बार रफली एक बार ऐसा कुछ डील करूँ तो मुझे थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे पता चलेगा यहाँ पे, देखो आप ठीक है। देख रहे हैं भाई ये पूरा पार्ट, मैं इसके अंदर एक बार चीज़ों को अलग से मैं ब्लेंड करने वाला भी हूँ, ठीक है। दो पार्ट में मैनेज भी करूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल भी करने वाला हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम किया, मेरे पास देखो कुछ कुछ चीज़ों को मैंने पेंट किया वो अलग से आपको बहुत हाईलाइटेड दिख रहे हैं, क्या वे हाईलाइटेड दिख रहे हैं, इट मीन्स वॉट कि आप यहाँ पे सही ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है। देख रहे हैं ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ठीक है। जो भी हमने कट बनाया, इसलिए कट प्रोमिनेंट जितना बनाओगे उतना बेनिफिट भी होगा। और ये आप देखोगे मूवीज देखो, ड्राइव द लास्ट ड्रैगन, उसमें भी ऐसे आपको स्टोन्स, आप गेम देखो, गेम जैसे बोलते हैं स्माइट गेम, उसमें भी आप देखोगे आपको आइडिया मिलेगा क्या। तो ये बेसिक सा उनकी डिमांड होती है गेमिंग में, प्रोडक्शन में, कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो ये सिंपल सा पार्ट है जिसके थ्रू आप यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल करोगे तो आप यहाँ पे थोड़ा काम इजी जाएगा मेरे काम में। तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, और चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया, ओके। जिस टाइप से हमने स्ट्रोक्स बनाया उसी टाइप से मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेंट भी करना है, तो ये भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है ये जस्ट लाइक दिस, थोड़ा सा यहाँ पे डील कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया, चलिए रफली मैंने यहाँ पे डील कर दिया। तभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना था, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट कैसे दिखा दिया। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक लेवल दिया, अभी इस लेवल के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम और भी मैं मैनेज करने वाला हूँ। ऑल्टर लेफ्ट क्लिक किया, वापस आता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने डार्क पे काम करना है, डार्क में बस यहाँ पे देखो, अभी डार्क वाला का पार्ट आपके यहाँ पे देखेगा। डार्क कहाँ पे करना है, जो कॉर्नर पॉइंट था उसे हमने हाईलाइट किया, जहाँ पे जो मैं अंदर की तरफ जो चीज़ें गई हैं ना, जैसे
उसमें मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा, तो डार्क में अभी थोड़ा सा और अलग से दिखेगा, ठीक है। इंटेंसिटी को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ अभी, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, ब्रश साइज अपने थोड़ा सा देखो, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपका और पार्ट बेटर दिखना स्टार्ट रहेगा। तो डार्क को डार्क दिखाओ, लाइट को लाइट दिखाओगे, तो आप यहाँ पे टेक्स्चर का पार्ट अपने आप यहाँ पे सी देखेंगे। यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अभी स्विच में पहले ये करता हूँ, पहले बेसिक पार्ट में यहाँ पे कहाँ पे क्या पार्ट है यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये तो थोड़ा सा टचअप दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जैसे देखना अभी ये कॉर्नर पॉइंट है, हमने एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट निकाल रखा है यहाँ पे, तो वो पार्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दूँ यहाँ पे, तो चीज़ें भी अच्छी दिखेंगी। ज्योमेट्री में गए और सब टूल पे गए, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, तो कोई पार्ट आपके यहाँ पे दिखना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम लोग काम का प्रोसेस इस टाइप से अगर मैनेज कर दें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा और बेटर विजुअल होगा कि आप चीज़ों का कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो कॉज आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट भी आपको आइडिया मिल जाएगा भाई कैसे हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर चीज़ों को मैं पेंट करना स्टार्ट कर दूँ, तो पेंट करने के बाद मेरे यहाँ पे थोड़ा सा काम मेरा यहाँ पे ईजी दिखने वाला है। तो कॉज आपको यहाँ पर ये पार्ट ऐसे करके आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा लुक एंड फील आपको दे देगा, क्या देखो यहाँ पे मैंने चीज़ को डार्क यहाँ पे किया। अभी मैं एक बार सबको एक बार देख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक और लेवल भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे सब में काम है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा मैं जस्ट जस्ट ये पार्ट यहाँ पे हल्का हल्का मैं जस्ट टचअप दे देता हूँ, देखो ठीक है। ये पार्ट देखना अभी ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअली यहाँ पे मैं थोड़ा सा डील कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम चाहिए, तो मैं लिटिल बिट, ठीक है, चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जो काम करने वाला हूँ एक मेजर डार्क के लिए यहाँ पे शेप्स को, यहाँ पे यहाँ पे देख लें यहाँ पे कर्ट्स यहाँ पे, ये थोड़ा सा पार्ट आपने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे अपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना यहाँ पे, ठीक है। पार्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि मेरे पास इन बिटवीन जो भी शेप्स हैं मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा, तो मैं डार्क वाला पार्ट भी थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाएगा यहाँ पे, देखो, ठीक है। ये पार्ट भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ देखेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ा सा लाइट डार्क ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा। कि आप यहाँ पे भी क्लिक करो आप यहाँ पे, तो देखो इसमें कुछ पार्ट ऐसे कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेंट ही कर रहा हूँ, इसमें कुछ पार्ट में ऐसे भी जैसे यहाँ पे देखो ना ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये लाइट मीडियम डार्क वाला पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा यहाँ पे। तो एक बेसिक कलर दे दिया मैंने, बेसिक कलर देने के बाद आप उसको लाइक ऐसे करके आप यहाँ पे थोड़ा सा पेंट करके दिखा सकते हो, तो ये पेंट करने के बाद ये चीज़ आपको और थोड़ा सा बेटर दिखने वाला है, ठीक है। आपको इंटेंसिटी पे थोड़ा सा ध्यान देना कि इंटेंसिटी के साथ आप कैसे डील करने वाले हो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा भाई कहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। यहाँ देखो आप छोटे छोटे पार्ट में साइज छोटे के साथ आपको थोड़ा सा डील करना, तो आपको ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट देखेगा, कहीं पे कुछ ज़्यादा कहीं कम हो तो आप थोड़ा सा ब्लेंड करना है क्या यहाँ पे, कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपको देखने को लगेगा। ऊपर से अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कलर स्पीक डील करना है, तो आप ऐसे भी देखो डील कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपने इंटेंसिटी कम रख रख के और कम करने पर देखना है, तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा और बेटर दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल एंड क्लिक किया, लाइक मेरे पास कलर है इसको मैं थोड़ा सा डार्क की तरफ ले जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर पेंट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, तो आपके यहाँ कलर्स पे भी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम करने वाला है, क्या तो आपको थोड़ा सा लाइक एक लाइट और थोड़ा सा बैलेंस करने मिल जाएगा। ऑल्टो लेफ्ट क्लिक देखें यहाँ पर, अभी यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर मैं काम करने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए बेसिक सा पार्ट यहाँ देखते हैं ना, ये छोटा छोटा पार्ट साइज छोटा कर दो आप यहाँ पे, देखो साइज छोटे के साथ आप थोड़ा सा डील करो, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपने बीस बेस कलर आपका दूसरा है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपका ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसा भी है, ठीक है। जहाँ पर आपके खड्डे हैं जो आपने क्रैक्स और खड्डे दे रखे हैं यहाँ पे, आप लोगों को थोड़ा सा आपको अलग से भी कलर देना पड़ेगा, साइज छोटा करो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा, कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊँ तो, ठीक है। इंटेंसिटी मैंने थोड़ा सा कम कर रखा है, तो हम देखा यहाँ पर दोस्तों आपको हैंड पेंटेड कलर का आपका लुक एंड फील भी दिखेगा, आप यहाँ पे कैसे क्या काम करने वाले हो। कलर्स ये इधर की तरफ थोड़ा सा डार्क में गए, ठीक है, यहाँ देखा आप, आप ऐसे करके भी पेंट कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं पॉली पेंट भी बोलते हैं, क्या पॉली पेंट में आप किस टाइप से काम कर रहे हो, किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर रहे हो आपको यहाँ पे। यहाँ पर कलर स्प्रे भी है और एक स्प्रे भी है, स्प्रे में देखो तो स्प्रे में आपका सिंपल सा पार्ट ऐसे भी दिखने वाला है, तो आपको थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए, वेरिएशन दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक करो यहाँ पे, यहाँ देखा तो मैंने थोड़ा सा मुझे वेरिएशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने देखा यहाँ पे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, लेकिन थोड़ा सा लाइट भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चीज़ों को अगर मुझे लग रहा है कहीं पर लाइट करना है तो मैं लाइट करूँगा, और कहीं पर मुझे लगता है थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ मैनेज करना है तो मैं ऐसे भी मैनेज करने वाला हूँ। ये कस्टमाइज़ किया जा सकता है, बस ये ध्यान देना कि मैं चीज़ें अच्छी दिखनी चाहिए यहाँ पे, मगर ऐसे भी कुछ पेंट करना तो मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन
दिखना चाहिए। अभी मैं सिंपल एक कलर में चाहिए तो एक कलर में पेंट करने वाला हूँ, थोड़ा सा मल्टी कलर में चाहिए तो मैं मल्टी कलर में ऐसे भी थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, मेरे ऐसा कुछ वेरिएशन दिखे। ठीक है, दिखना है अभी ऐसे करके, तो मैं वेरिएशन के साथ में डील करना चाहता हूँ डील कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यही चीज़ मैं यहाँ पे अगर स्विच करता हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सब क्या थोड़ा सा लाइक स्पीड के साथ में थोड़ा सा डील करूँगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट देखें यहाँ पे कैसे थोड़ा सा वेरिएशन आपको यहाँ पे दिखेगा कि मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है, ये स्प्रे आपका काम करें। अभी सपोज मुझे स्प्रे नहीं चाहिए, फ्री हैंड चाहिए, अल्फा लिया मैंने, अल्फा के साथ यहाँ पे ये लिया। अभी यहाँ देखो यहाँ पे एक दो टाइप आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे अभी अल्फा भी आप यहाँ पे पेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल एंड क्लिक यहाँ पे किया। ठीक है, कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने, कलर किया कलर को थोड़ा सा डार्क पे ले गया, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक देखा यहाँ पे, यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे कलर मैंने वाइट कर दिया, यहाँ पे देखो है, यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो मैंने काम किया यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ अगर मैं स्प्रे पे काम करूँ तो देख रहे हैं कैसे काम करें, तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा कैसे काम करें। देखो छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे दिख रहे हैं, तो पेंट करना चाहो तो पेंट कर सकता हूँ। अभी यही पार्ट मैंने यहाँ पे लिया और मैंने यहाँ पे हल्का तो पेंट करना स्टार्ट किया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिखेगा यहाँ पे। ये पार्ट को मैं थोड़ा सा अगर मैं ऐसे कुछ पेंट करने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो बीच की जो बारीकियाँ हैं उन चीज़ को थोड़ा सा एक बार टच दे सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं ऐसे एक रफली भी अगर मैं थोड़ा सा डील करता हूँ मेरे पास यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर के अंदर मुझे थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाएगा। क्या तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन देना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। पहले पेंट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेरिएशन देने का टेक्निक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप किस टाइप से मैनेज कर रहे हो, किस टाइप से शुरू फॉर्मिंग कर रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, आप इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करके देखो यहाँ पे, इंडस्ट्री में तो ऐसा चीज़ों को आप ऐसे भी मैनेज करते हो मिलेगा। मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ बस, ऐसे कुछ पार्ट यहाँ पे देखेगा। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ जिनको आप थोड़ा सा स्टडी करते हो तो आपके पास यहाँ पे चीज़ देखती हैं। ठीक है, अल्फ़ा यूज़ करो, अल्फ़ा में मैं देखो अलग अलग अल्फ़ा भी हैं। ठीक है, अल्फ़ा नंबर अगर मैं स्टार पर तो बस स्टार भी आएगा यहाँ पे, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे किस टाइप की चीज़ मेरे पास यहाँ पे देखने वाली, अगर मैं स्टार चाहिए तो स्टार वाले पार्ट को मैं मैनेज करूँगा, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक। ठीक है, यहाँ देखा, ये पार्ट में ऐसे भी मैं मैनेज करने वाला, अगर मुझे यहाँ पे कुछ स्टेप की चीज़ को फुलफिल करना है तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। क्या चीज़ों को थोड़ा सा अगर देखें तो कैसे क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैं शार्पनेस चाहिए, शार्पनेस के साथ मैंने डील किया, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर चाहिए, यहाँ पे अल्फा के साथ आप डील करना, अल्फा आपके अच्छे अच्छे अल्फा है तो आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा डील करोगे, देखो यहाँ पे कैसे भी आपका इम्पैक्ट दिखने वाला है। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, तो अल्फा को आप मैनेज करोगे यहाँ पर, अलग अलग टाइप के अल्फा है थोड़ा सा लेके क्रॉस चेक कर देखें यहाँ पर, आप ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो कलर अल्फा देन ऑल दोस थिंग। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर इम्पैक्ट देखें यहाँ पे, अपने यहाँ पर जो भी पेंट किया तो पेंट करना आपके ऐसे चीज़ थोड़ा सा मैनेज होने वाली है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, कंट्रोल प्रेस करते हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा डार्क की तरफ जाना पड़ेगा ताकि उस चीज़ों को मैं थोड़ा सा दिखा सकूँ मुझे यहाँ पे डार्क में क्या क्या चीज़ चाहिए और कैसे मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट आप यहाँ पर थोड़ा देखोगे आपका इम्पैक्ट थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, किस टाइप का इम्पैक्ट है, किस टाइप की चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे मैं अल्फा में देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे भी पार्ट देखते हैं यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स। ठीक है, फॉर टाइमिंग मैं अभी इन्हीं को मैं यूज़ करता हूँ, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, देखो इतने से 40 में मेरे पास इतने से भी काम चल जाएगा यहाँ पे। एक दो थोड़ा सा मैंने जस्ट टचअप दिया कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हो कि मुझे यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स पर मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। ये टेक्सचर पेंटिंग में बस ये चीज़ें देखती है कि आप ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, तो मैं ये पार्ट आपके पास यहाँ पर आएगा, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, छोटे छोटे पार्ट पर थोड़ा सा एक बार डील करो। मैं एक बार रफली एक बार यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, किसी भी चीज़ को हम लोग टाइम देके काम करें तो मैं उस चीज़ें और बेटर दिखेंगे यहाँ पे। लेकिन हाँ, आप अगर ऐसा कुछ काम करते हो तो बारीकियाँ भी आपके साथ यहाँ पे ऐड ऑन होती हैं यहाँ पे, तो इसलिए आप लेवल्स अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, स्पेस ये चीज़ें जल्दी हो जाती हैं और देन यहाँ मेरे पास यहाँ पर अल्फा है तो छोटे छोटे डॉट स्केचेज ये सब हमें पेंट करने में टाइम नहीं लगता, और थोड़ा सा डिटेलिंग भी माइक्रो डिटेल भी आता है कि आप यहाँ पे माइक्रो डिटेल आएगा तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर पाओगे आप यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे चीज़ों को हमने मैनेज किया, इसके साथ में यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ फिर। ठीक है, मैनेज करके हम लोग चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं फिर, तो छोटी छोटी माइक्रो डिटेल्स के साथ मैं यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कुछ काम करना चाहूँ तो मैं ऐसी चीज़ को मैनेज करूँ, बस यहाँ पर चीज़ें बेटर देखेंगे आप आगे पीछे हर जगह से हर एंगल से थोड़ा सा आप डील करो से। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा दिखाया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ मेरे पास। ठीक है, तो पेंटिंग में हम लोग ऐसे कुछ दिखा सकते हैं। अभी एक आध चीज़ मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या, अगर मैं इस चीज़ को मैं कहीं रखने वाला हूँ, ठीक है, मैं कुछ रेफरेंसेस को थोड़ा सा आपको गो थ्रू करता हूँ फिर। जैसे ये मेरे पास ये इमेज है, अभी ये कहीं मैं ग्रास पे रखने वाला हूँ तो हल्का सा ग्रीन कलर भी इसे मिक्स करना पड़ता है यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ मुझे रखना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ,
थोड़ा सा पार्ट को मैं यहाँ पे जस्ट अलग से मैं मैनेज करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रीन पे गए, डार्क स्क्रीन, ठीक है, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए अलग अलग लेवल पे, तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे भी डील करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हल्का हल्का आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा पेंट कर रहे होते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ें ग्रास होता है, ग्रास कलर से ग्रीनरी भी आपके यहाँ पे आ जाती है। तो आप यहाँ पे रेफरेंसेस फॉलो करना, उसके बाद आप डील करो तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपको देखेगा। ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, यहाँ देखा पे, ठीक है, तो आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो। तो थोड़ा सा काम आपके यहाँ पे अच्छा आइडिया मिल जाएगा, भाई ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे जा रहा है तो मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो लाइक ग्रास पे है सीन, बस ऐसा कुछ पार्ट है, तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ, तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा अलग से पेंट कर दूँगा, बस यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिखेंगी। क्या तो कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, यहाँ देखा पे, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे, देन यहाँ से मैं थोड़ा सा हर एंगल में थोड़ा सा यहाँ पे पेंट कर देता, मुझे यहाँ पे चीज़ों को चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊँ कि मैं उस यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसा कुछ जाने वाला है। तो ठीक है, अच्छी थोड़ा सा कनेक्टिविटी देंगे यहाँ पे, क्या होगा थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्रीनरी का भी आपको आइडिया मिलेगा कि अगर यहाँ पे काम करता तो सब कुछ यहाँ पे मैं पेंट कर सकूँ। यही काम मैं मैक्स और माया में इस टाइप से मैं पेंट नहीं कर पाऊँगा, क्या उतना बढ़िया और खासकर इतने ईजी वे में मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, फिर चीज़ों को कैसे बैलेंस करना वो सब चीज़ देखना पड़ जाता है यहाँ पे। तो लाइक ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे इस टाइप से थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं कैसे मैनेज कर सकूँ यहाँ पे, थोड़ा सा टिप्स एंड टिप्स दिया मैंने आपको, ठीक है, कि आप यहाँ पे अगर काम करते हो तो आप चीज़ों को किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो जितनी बारीकी से करोगे, अभी देखो इसमें आप अल्फ़ा ऐड करो तो इसमें और माइक्रो डिटेल आएगा, लेकिन स्टाइलिस में कई बार अल्फ़ा नहीं होता, मोस्टली आप उसमें अल्फ़ा नहीं रखोगे, तो इसलिए मैंने दोस्तों में अल्फ़ा यूज़ नहीं किया। ठीक है, अगर आप इसमें काम करोगे तो जैसे मैंने कैनन में देखा था, कैनन में जैसे मैंने अल्फ़ा यूज़ करने का पार्ट बताया था, वो पार्ट मैंने यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो क्या आप यहाँ पे। तो मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पे चीज़ों कैसे दिखाया, फिर देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं स्ट्रोक सब देखा, अभी धीमे यहाँ पे कलर लुक एंड फील देख रहे हैं यहाँ पे, कि आपने जो भी कोई काम किया उस कलर के साथ आपको चीज़ दिख रही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट फ्लोर में अगर मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फ्लोर में गया, ड्रॉप पे गया, और ड्रॉप पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट व्हाट आई वांट, ड्रॉप पे जाकर मैंने इसको भी जस्ट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देन ऑफ। अभी फ्लोरिंग के साथ अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या, जैसे मेरे पास पर्सपेक्टिव है, ठीक है, या मैंने फ्लोर ऐसा ऑन किया, तो यहाँ पे मेरे पास ये दिखेंगी। अभी मैं यहाँ पे बीपीआर रेंडर करूँगा तो बीपीआर रेंडर पे भी मुझे कुछ एक आउटपुट दिखेगा कि कैसे मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आपका से कलर मैंने पेंट करके बताया, कलर पेंट करना यहाँ पे चीज़ें कैसी उसको मैंने बताया कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे मैंने फ्लोर यहाँ पे दिखाया, देखो फ्लोर मेरे पास कहाँ चला गया था, फ्लोर दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी फ्लोर के साथ हम लोग जब चीज़ों को मैनेज करते हैं, मेरे पास फ्लोर कहाँ है, फ्लोर देखो, फ्लोर ये इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा मैनेज किया, तो मेरे को जो फ्लोर इसके बीच टच में रहेगा तो मेरे पास थोड़ा सा ईजी रहेगा, क्यों, ठीक है। अगर मैं फ्लोर यहाँ पे देखता हूँ तो फ्लोर मेरे पास कैसा है, फ्लोर है थोड़ा मैनेज करना है, देखो यहाँ पे ठीक है ना, ये आपको नंबर्स के साथ आपको प्ले करना पड़ता है, आप नंबर्स के साथ प्ले करना है क्या, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अभी इसके मैं मैनेज कराऊँ, इसका एक बेनिफिट दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मिल जाता, अभी मैं अगर यहाँ पे मैं रखते हैं मैं मैनेज करता हूँ मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने टाइलिंग दिया, प्रोजेक्ट है, ठीक है, फ्रंट एंड बैक यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे चीज़ें को, ठीक है, अभी यहाँ पे जस्ट मैं एक बार सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने क्या दिया, इसको अगर मैं ऐसे एक बार बीपीआर रेंडर करूँ तो मैं बीपीआर रेंडर में कैसा क्या पार्ट दिख रहा है वो चीज़ एक बार देखना। बेस का तो सर सेडो और बाकी चीज़ आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखी है। अभी आप चाहो तो इसके लिए और बेसिक पार्ट में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कुछ और में लगाना चाहता हूँ मैं लगा सकता हूँ, कि मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ, ऐसे करके आप यहाँ पे सिंपल से चीज़ को दिखा सकते हो। प्रोस्पेक्ट में गए आपने ऐसी चीज़ को थोड़ा सा दिखाओगे तो आपका एक आउटपुट अच्छा दिखने वाला है। बीपीआर रेंडर कर दो, देन फुल एंड फाइनल एक आउटपुट दिखाओगे तो आपने कैसे स्कल्प्ट किया, किस टाइप से टेक्सचर किया और किस टाइप से चीज़ को मैनेज किया, तो आपको एक बेसिक लुक एंड फील आएगा। रेंडर में जाके हमें एक चीज़ और भी ध्यान देना पड़ता है, रेंडर में जब हम जाते हैं तो रेंडर में यहाँ पे रेंडर प्रॉपर्टीज़ है, रेंडर प्रॉपर्टीज़ के साथ यहाँ पर आपको डील करना पड़ता है। यहाँ देखो शैडो एओज और यहाँ पे देखें एम्बिएंट ऑक्लूजन ये ऑन कर देना यहाँ पे, ठीक है, एम्बिएंट ऑक्लूजन यूज़ करोगे देन इसके बाद आप यहाँ पे फिर से एक बार सिंपल सा पार्ट आप अगर मैनेज करते हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया सिंपल सा पार्ट, तो अगर मैं रेंडर करता हूँ तो वैसे यहाँ पे इम्पैक्ट और बेटर दिखने वाला है। तो आप ऐसे एक एक चीज़ों को किस वे में दिखा सकते हो, ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। देखो अभी कॉन्टेक्ट में आपका एओ भी दिखेगा तो आपका टेक्सचर भी दिखेगा और ये भी देखिएगा, तो आप इस टाइप से आप टेक्सचर को
रेंडर को सेव करो, आप टेक्सचर भी आपको अच्छा दिखेगा। क्या देन मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, VPR शेडो VPR रेंडर पासिस, तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, रेंडर के कैसे सेव कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा।